अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अर्चिका दीदी जी को। आप स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन गुरु हैं, दिशा चैनल की आप MD हैं और स्पिरिचुअल चैनल है दिशा, साथ ही साथ आप आदरणीय माननीय सुधांशु महाराज जो गुरु जी हैं उनकी ज्येष्ठ पुत्री है। आपको मैं निवेदन करूँगा कि इस पावन मंच से अपनी प्रज्ञा को, विचारों को प्रकट करें। स्वागत है आपका। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अपने सद्गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी इसको प्रणाम करती हूँ, दादियों को प्रणाम करती हूँ, मंच पर विराजित गणमान्य अतिथियों को प्रणाम, सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम, मातृशक्ति भद्र पुरुषों। जीवन जीना एक सुंदर कला है, जो इस कला में पारंगत हो जाता है वह अपने जीवन को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उसके जीवन में संगीत आने लगता है, उसके जीवन में कोमलता आने लगती है। जैसे हम किसी कलाकार को देखते हैं, जब वह मूर्ति बनाता है तो कितने सुंदर ढंग से उसकी आंखें बनाएगा, उसका श्रृंगार करता है, बहुत सुंदर सुंदर रंग भरता है और मूर्ति को सजाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो जीवन है वह भी अनगढ़ पत्थर की तरह है। अब उसमें से हम देवी की प्रतिमा को प्रकट करते हैं, देवताओं को प्रकट करते हैं, या फिर हम उसमें से राक्षस को प्रकट करते हैं, ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन से? क्या हम अशांति चाहते हैं या फिर हम शांति के मार्ग पर चलना चाहते हैं? मनुष्य ने अपने जीवन में भौतिक डेवलपमेंट बहुत की, वह चांद सितारों तक पहुंच गया और उससे भी आगे जाने की योजना हो रही है। मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए, हमने समुद्र की गहराई नाप ली, पर्वतों को देख लिया, हमने सारी चीज़ें देखी। मनुष्य के अंदर क्या शक्तियां हैं, मनुष्य क्या है, हम वह भी कामयाब हो रहे हैं उसमें। परंतु इस समय डॉक्टर राधा कृष्णन की एक बात हमें याद आती है कि मनुष्य ने पक्षियों की तरह उड़ना तो सीख लिया, मछली की तरह तैरना सीख लिया, परंतु इस धरती पर जिया कैसे जाए यह मनुष्य ने सीखा ही नहीं, और यही भूल हो जाती है। जब हमें जीवन जीना ही नहीं आएगा तो हम कैसे आनंदित हो पाएंगे? नीरस जीवन कोई जीवन है? तो जीवन में रस आए, जीवन में शांति आए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनि शुरू से प्रार्थना करते रहे हैं, हे प्रभु हमें सुख दो, हे प्रभु हमें शांति दो। परंतु मनुष्य ने क्या पकड़ा? मनुष्य ने सुख सुविधाओं को बढ़ाने की चीज़ें सोच ली और शांति उसको भूल गया। और जैसे ही हम शांति को भूल जाते हैं, ये सुख संपदा, ये संपत्ति, सबका आधार क्या है? सबका आधार है शांति। शांति होगी तो आप चीज़ों का भोग कर पाएंगे, जीवन में आनंदित हो पाएंगे, और शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए शांति की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं व्यक्ति व्यक्ति से लड़ता है, देश देश से लड़ते हैं, सब जगह अशांति का माहौल है। इस समय ज़रूरत है कि मनुष्य ऐसी कला सीख पाए जिससे वो शांत हो पाए। उसके चेहरे पर मुस्कान तो आए, लोग तो मुस्कुराना भी भूल गए हैं।
मुस्कुराने को भी कहो तो उनकी हृदय से, उनके प्राणों से वह आनंद, वह मुस्कान आती ही नहीं है। तो मुस्कुराता वह है जो शांत होता है, आनंदित वह होता है जो शांत होता है, और जो शांत होगा उसका शरीर भी सही विकसित हो पाएगा, उसके घर में प्रेम आ पाएगा, उसके संगठन में शक्ति आएगी। हम देखते हैं कि जिन फैक्ट्रीज़ में कलह होती है, जिन संस्थाओं में कलह होती है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, एक दूसरे पे भरोसा टूटता है, संगठन की शक्ति वह टूटने लग जाती है, और उसके बाद कोई शांति नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सक्सेस नहीं। तो सक्सेस चाहते हो तो शांत होना सीखो, आगे बढ़ना चाहते हो तो शांति की आवश्यकता है। और यह शांति मिलेगी कैसे? अब बात आती है कि शांत होना इतना आवश्यक है तो शांति मिलेगी कैसे? शांति मिलती है जब हम सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। यदि हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी में व्यथाएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, तो ज़रूरी है व्यवस्था को बनाना, अपनी लाइफ को मैनेज करना। कहते हैं समाज कुछ भी नहीं है, एक एक व्यक्ति से समाज बनता है, एक एक इंडिविजुअल से सोसाइटी बनती है। तो यदि एक एक व्यक्ति पूरा प्रयास करे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस पूरे विश्व में बदलाव आ सकता है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कीजिए, अपने भीतर से शुरू कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए। जो लोग अपने से प्रेम करते हैं और जो विश्व में बदलाव चाहते हैं वो डिसिप्लिन को अपनाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि यदि आप समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं को बदलना पड़ेगा। तो स्वयं से शुरुआत हो, अपने से शुरुआत हो, और हर समय शिकायत ना करें, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा कहा गया। नहीं, आप धन्यवाद के भाव से भरें, अनुग्रह, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैंने सुना है दो साधुओं के बारे में, वह पहाड़ में रहते थे, गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, जब अपने झोपड़े में पहुंचे तो देखते हैं कि आधा झोपड़ा उड़ गया। तो जो यंग साधु था, जो शिष्य था, वह रोने लग गया, कहने लगा, इन्हीं चीज़ों को देखकर भगवान से विश्वास उठ जाता है। हम गरीब लोग, हमारा एक ही झोपड़ा, दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रभु तेरे भजन में लगे रहते हैं, और तूने हमारे साथ यह किया, हमारा झोपड़ा, आधा झोपड़ा उड़ा दिया। ये बारिश के दिन है, हम रात को कैसे सोएंगे, सर्दी लगेगी, बीमार पड़ जाएंगे, हे प्रभु तूने क्या किया हमारे साथ। परंतु दूसरी ओर जो उसका गुरु था, वह चुपचाप कोने में बैठा हुआ, हाथ जोड़कर ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए भगवान से धन्यवाद कर रहा था कि हे प्रभु तू कितना दयालु है, तेरी ये हवाएं कितनी दयालु हैं, तू चाहता तो हमारा पूरा झोपड़ा उड़ा सकता था, परंतु भगवान तूने इतनी कृपा की है, हमें बचाया। तेरी हवाएं इतनी बेरहम हैं, यह चाहती तो सब कुछ नष्ट कर देती, लेकिन जो बच गया वो सिर्फ तेरी कृपा से था। तो ऐसा भाव, ऐसा ग्रैटिट्यूड, ऐसा अनुग्रह जिसके जीवन में आता है, वह शांत रह सकता है, खुश रह सकता है, और उसी को जीवन जीना भी आता है। नहीं तो लोग दुख में ही पड़े रहते हैं, एक दूसरे से क्रिप करते हैं, इरिटेट होते हैं, शिकायत करते हैं, तुमने यह किया, और चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाएंगे, माफ़ नहीं करते। तो माफ़ करना भी सीखिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, और सबको अपनाइए। प्रेम का भाव आपके हृदय से निकले और पूरे विश्व को आप अपना पाएं, पूरे विश्व को प्रेम दे पाएं, इतना प्रेम आपके अंदर से आए। और याद रखें, 24 घंटे में से यदि आप 24 मिनट अपने लिए निकाल लें, सिर्फ 24 मिनट्स, और उस समय आंखें बंद करके
अपने भीतर झांकें, किसी चित्र को ना देखें, किसी भगवान को ना देखें, बस अपने अंदर के स्रोत को देखें। शरीर हम नहीं, मन हम नहीं, बुद्धि हम नहीं, हम इन चीज़ों से परे एक आत्मा, एक लाइट हैं, बस भीतर भीतर डूबते जाएं, अपने ध्यान में डूबते चले जाएं। मैं विश्व के कोने कोने में जाकर ध्यान कराती हूँ, लोगों को बताती हूँ किस प्रकार से मन शांत किया जाता है, कैसे आप अपने प्राणों में वह स्पंदन कर सकते हैं, किस तरह से प्रेम जागृत कर सकते हैं, मेरी कोशिश रहती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा से जुड़ें। वह परमेश्वर, वह परम स्रोत है ऊर्जा का, प्रेम का, शक्ति का, आनंद का, उस शक्ति से जुड़ जाइए। फिर देखेंगे भीतर के जो झरने बहेंगे प्रेम के, आनंद से भर देंगे आपके जीवन को। फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। आपका जो आंतरिक गुरु है, आपके भीतर की जो शक्ति है, वही आपको गाइड करेगी कि संसार में कैसे जीना है, संसार में कैसे आगे बढ़ना है। फिर आप सक्सेसफुल होते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। परंतु ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो शुरू होगा आप सभी से, एक एक व्यक्ति से। और एक एक व्यक्ति अगर निश्चय कर ले मैं शांत रहूँगा, प्रेम के विचारों को फैलाऊँगा, सारे जगत में प्रेम को फैलाऊँगा, शांति को फैलाऊँगा, तो ये पूरा जो समाज है ये स्वर्ग बन जाएगा, रहने लायक बन जाएगा। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, उनका दायित्व है कि समाज के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फैलाते चले जाएं, पूरे विश्व को अपनाते चले जाएं। जब बुरी ताकतें एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं इस संसार को नष्ट करने के लिए, तो अच्छे लोगों का भी कर्तव्य है कि वह भी एक हो जाएं और एकजुट होकर इस पूरे विश्व को सुंदर बनाने का कार्य करें। और इसमें मैं देख रही हूँ प्रजापति ब्रह्म कुमारीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह इस विश्व को सुंदर बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह आप सभी के साथ है। सभी को हरि ओम, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चिका दीदी जी आपके इन सुंदर पावन विचारों के लिए। माना कि दोस्त तुम्हारी जिंदगी में आधे अधूरे अफसाने बहुत हैं, माना कि तेरी जिंदगी में दोस्त आधे अधूरे अफसाने बहुत हैं, लेकिन इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। बांटने की बात की और दोस्तों बांटने की होती है जिनकी अदा, वो दिलों में जिंदा रहते हैं सदा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी बहनें आएँ, भ्राता जी, मृत्युंजय जी, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, हमारे जो मीडिया के गेस्ट आए हैं उनका फेलिसिटेशन होगा, कृपया पधारें। मैं फेलिसिटेशन के लिए भ्राता मार्कंडेय अधिकारी जी सम्मान होगा। साथ ही साथ मैं रीडिंग ऑफ साइटेशन के लिए बुलाना चाहूँगा डॉक्टर बी के युधिष्ठिर भाई जी को, एग्जीक्यूटिंग मैंगर एजुकेशन विंग। ओम शांति। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल मीडिया पर्सनालिटीज फॉर देयर अचीवमेंट एंड एक्सलेंस इन मीडिया एंड फॉर देयर एक्शंस इन डेवलपिंग ए बेटर वर्ल्ड। Now I am going to read the citation for the awards. We greatly appreciate you for your sincere and dedicated media services in promoting the true spirit of journalism. We sincerely acknowledge your significant roles in informing, educating, and enlightening the masses about the various affairs of the world. We also felicitate you for your pragmatic contributions you have made for the welfare, development and progress of the people and country as a whole and the world at large, which are quite relevant and will go a long way in shaping the society and making the world a better place to live in. Your useful works and activities in the world of media, which has been acclaimed as the fourth pillar of democracy, have been quite commendable
memorable and worthy of respect and reverence. Let the incorporeal Godfather, Supreme Soul Shiva, Angelic Pitasi Brahma Baba, the corporeal founder of the Brahma Kumaris movement and the divine family of Brahma Kumaris, shower their blessings upon you for your long, healthy, happy and blissful life. Om Shanti. Thanks you again. सम्मान के भावों से भर के हमारे जो मीडिया से मेहमान पधारे हुए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। टीवी टुडे ग्रुप की जो ओर से कलीपुरी जी की जगह उनकी पूर्वा मिश्रा को अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, खाता मृत्युंजय जी देते हुए। सर्व के सहयोग से ये सुख में संसार हो सकता है। कैलाश अधिकारी जी का सम्मान किया गया। अर्चिका दीदी जी का सम्मान हो रहा है। आध्यात्मिक चैनल दिशा की आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिश्रा जी को सम्मान दिया जा रहा है। कलीपुरी जी यहां उपस्थित नहीं है।
भाई बहनों, इस पावन अवसर पर जो हमारे मेहमान सभी पधारे हुए हैं, हमारे जो वक्ता हैं आज, सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आला हैं, अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। सभी का सम्मान, सभी का स्वागत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। अब मैं ग्रीटिंग्स के लिए, शुभकामनाओं के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा भारत के मशहूर हमारे जस्टिस वी ऐश्वर्या जी को, फॉर्मर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि न्यू दिल्ली से पधारे हैं हमारे बीच। हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं कि शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हमारे बीच रखें। ओम शांति। आज तीसरा दिन है ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल। 80 साल का एनिवर्सरी मना रहा है 3 दिन से, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी एलके अडवाणी जी और ऑनरेबल मंत्री कलराज मिश्रा जी और मंच पर उपस्थित हमारे दादियों के सामने ब्रह्मा कुमारी का बहुत प्रशंसा हो रहा था अपने 3 दिन से, दादा लेखराज की, दादी जानकी जी की। मगर मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है ब्रह्मा कुमारी की प्रशंसा करना और इतनी उसकी और प्रशंसा करना, मगर इसके पीछे कौन है उसकी बारे में ये 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। जो दादा लेखराज एक निमित्त है, क्योंकि जो दादा लेखराज द्वारा ये ज्ञान दिया है, स्वयं परम पिता परमात्मा ईश्वर ने दिया है। जो गीता ज्ञान, ये गीता ज्ञान ये ब्रह्मा का तंज की आधार से दिया है। एक ब्रह्मा को तैयार करके वही ब्रह्मा को फिर विष्णु बनाने वाला वो ईश्वर है, कृष्ण की बनाने वाला वो ईश्वर है। मगर ये 3 करोड़ देवताएं नहीं तो कोई भी देवी देवताएं खुद नहीं बना, मगर ईश्वर ने बनाया। वो बना, अभी ये बन रही है, यही है उसका परमात्मा का ये ज्ञान। क्योंकि इसी के बारे में, जो अपने परमात्मा के बारे में अगर अपन मालूम करे, खुद के बारे में मालूम करे, ये तो परिवर्तन होता है। ये भाई ने बोला, सामने मैं नास्तिक हूँ, दुनिया में ये भाई 720 करोड़ में नियरली अबाउट 719 करोड़ नास्तिक है, क्योंकि खुद को नहीं जानते हैं, खुदा को नहीं जानते हैं, उसको नास्तिक बोलते हैं। क्योंकि जो आस्तिक है, खुद को जानते हैं, खुदा को जानते हैं, वो आस्तिक बोल आस्तिक समझाया समझते हैं। क्योंकि आस्तिक आप अकेला नहीं भाई साहब, मगर पूरा दुनिया ही नास्तिक है। उस वास्ते स्वयं परमपिता परमात्मा ये अपने को आस्तिक बनाना, अपने को अस्तित्व का स्मृति दिलाना, ये कार्य चल रहा है। कोई ये ब्रह्मा कुमारी से एक निमित्त बना हुआ है, परिवर्तन आंतरिक रीति से हो रहा है। क्योंकि आत्मा विचित्र है, परमात्मा भी विचित्र है, मगर वो सर्वशक्तिवान है, वो पतित पावन है। ये त्रिमूर्ति शिव भगवान वाचा चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी जो नाथ ईश्वर है, वो अजन्मा अभोक्ता अयोनी, वो ज्ञान सागर, प्रेम सागर, शक्ति सागर, नया ज्ञान से नया युग बन रहा है। नया युग जब बनता, हम उसकी ईश्वर की बच्चे अपने नया गुण धारण करके, दैवी गुण धारण करके, सच्चाई सफाई से रहते हैं, ये दुनिया बदलती है। अभी दुनिया बदल रहा है, इसकी यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 10 लाख ब्रह्मा कुमारियों ने कोई भी झूठ नहीं बोलता, कोई भी हिंसा नहीं करता, कोई भी संकल्प, कोई भी अपने वाचा कर्म और कोई भी विरुद्ध नहीं करता। जो हिंसा परमो धर्मम दैवी गुण धारण करके रहता है। मुझे ये ज्ञान मिला
उन अपने 17 साल पीछे एक न्यायमूर्ति, प्रधान न्यायमूर्ति 14 ईयर्स 69,000 केसेस डिसाइड किया, किसकी प्रभाव में, झुकाव में, और किसकी कोई भी अपने आके एक केस भी डिसाइड नहीं किया। और मैं ऐसा लोगों के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या पीता, क्या सोचता, क्या करता, एक खुली जीवन है ब्रह्मा कुमारी इसका, क्योंकि ये खूबी खुद की नहीं है मगर वो ईश्वर की ये खूबी है, ईश्वर की ज्ञान है, ये शक्ति ईश्वर की है। एक ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये दादा लेखराज का नहीं है, हमारे दादी की नहीं है, क्योंकि ईश्वर चला रहा है ये अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को। अगर ये समझे दुनिया, अगर ये फर्क है, ये सही भी एक अनसीन शक्ति है, वो सर्वशक्तिवान है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, क्योंकि आंखों को दिखता नहीं, ये महसूस करने वाली है, ये अद्भुत चीज़ है। क्योंकि दुनिया में देखो, मैं कौन बात, मैं यही अपने माननीय इज एक्सेलेंट से गवर्नर इज कमिंग, यही मेरे तो विनती है भाई जी, आपको खुद को पहचानो, खुदा को पहचानो, एक आप एक आत्मा है, एक बिंदु स्वरूप है, वो परमात्मा पे बिंदु स्वरूप है, मगर अपने जनन मरण में आते, वो जनन मरण में नहीं आते। 7 घंटे का कोर्स है ये, लेके सचिव के, आप सचिव में आप सीट खाली है, देवता बन सकते हैं, स्वर्ग इसको बना सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जसरीत विश्वेश्वरिया जी, बहुत ही हमें सूक्ष्म में वो लेके गए, स्थूल के पीछे जो सूक्ष्म है उसका उन्होंने चित्रण हमारे सामने किया, और हमारे लिए अति हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि गुजरात के राज्यपाल आदरणीय भ्राता ओपी कोहली जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात राधा श्री ओपी कोहली जी, स्वागत है आपका। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय आपका हृदय से स्वागत करता है। ये सभागार आपके आने से और सुगंधित हो गया, खिल गया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही हर्ष के पल आज के हमारे मुख्य मेहमान भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात, आदरणीय सरला दीदी जी भी पधारी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के गुजरात के सेवा केंद्रों की संचालिका हमारी आदरणीय। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम जनगणमन राष्ट्रीय गान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कलवंग की भूमि जो ईश्वर जिसका निर्माता है, संस्कृति के मिलने वाला आदर से पहले झुक जाता है, जर्रे जर्रे में ज्ञान है जिसके नाम भारत आता है।
नाम भारत आता है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गुजरात प्रदेश के राज्यपाल भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी, आदरणीय भ्राता जी, आज हमारे बीच है। बड़े हर्ष का पल है। मैं अपनी बहनों से नम्र निवेदन करूंगा कि भ्राता जी का स्वागत पुष्प गुच्छों के द्वारा किया जाए। बिल्कुल पास का ही प्रांत गुजरात अपनी संपन्नता के लिए मशहूर है और ऐसे महान कार्यकर्ता जब वहां मौजूद होते हैं तो प्रदेश की संपन्नता और बढ़ती है, उसका आसपास के क्षेत्रों पर भी पूरा असर पड़ता है। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, गुजरात के राज्यपाल ऑनरेबल श्री ओपी कोहली जी का स्वागत करते हुए पगड़ी में नाम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। आप आए, ये हवाएं महकने लगी हैं। बड़ी हर्ष की ये बेला है, संगीत से हवाएं चहकने लगी हैं और मेहमानों के पधारने से हवाएं महकने लगी है। अब मैं आदरणीय भ्राता राजयोगी मृत्युंजय भाई जी से निवेदन करूंगा कि पधारें और गुजरात के हमारे माननीय गवर्नर भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी का अक्षय शब्दों से, पुष्प गुच्छों से, शब्दों के पुष्पों से, हृदय से स्वागत करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक ऐतिहासिक दिवस 80 साल का वार्षिक उत्सव की समारोह में इस समय हमारा बीच में ओम प्रकाश कोहली जी, गुजरात और मध्य प्रदेश की गवर्नर महामहिम हमारा सम्मुख में उपस्थित है। आपको मैं दादी जी की तरफ से, समस्त विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, अन्य डिग्निटीज को मिला है, परंतु आप ओम प्रकाश कोहली साहब जैसा व्यक्तित्व को मैंने नहीं देखा। इसका एक सैंपल और एग्जाम्पल, अब उसके सामने महिमा करने की बात नहीं है, मैं वास्तविक सच्चाई की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कुछ दिन पूर्व आदरणीय भ्राता जी को इस सम्मेलन की निमंत्रण देने के लिए गए थे। हमारा सरला दादी जी भी थे, हम सभी थे, मिल रहे थे। उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, आपका आदेश क्या है। मैंने बोला, हम आदेश देने के लिए नहीं आया है, आपको उपदेश देने के लिए नहीं आए, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए, निवेदन करने के लिए। आप राज्य के गवर्नर हैं,
हमको आदेश देने का मेरे हक नहीं, अधिकार नहीं है। मैं केवल ब्रह्म कुमार हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, परंतु मैं आदेश नहीं दे सकता, अनुरोध कर सकता, रिक्वेस्ट कर। मैं इस बात इसके लिए कह रहा हूँ, उसके अंदर नम्रता कितनी है, विनम्रता कितनी है, व्यक्तित्व कैसे विकास बड़ा बन सकता है, इसका एक उदाहरण है। बड़ा बनने की जो मूल वैल्यूज है, इसके वैल्यूज का वैल्यूज इरोरे पहचान है, उसके कारण है बाबा ने कहो, उनकी कर्तव्य के कहो, उनकी सेवानिष्ठ कहो, उनका गुण कहो, उनको आज इस पद पर बिठाया। इसके लिए हम सबको ये सीखने की बात है, हम सबको अनुकरण करने की बात है। मैं इसके लिए मैं पुनः पुनः ब्राता जी को, ऐसी विशेष हस्ती को, ऐसे विशेष महान हस्ती को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और अन्य व्यक्ति सभी को स्वागत हुआ है, आप सबको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी। आपने माननीय राज्यपाल जी के व्यक्तित्व की बात कही, उनकी नम्रता, उनकी सादगी की बात कही। दोस्तों, सादगी नहीं होती कभी भी आसान, बड़ी तपस्या से बनता है एक सरल इंसान। ऐसे कर्मनिष्ठ, संकल्पनिष्ठ, मर्यादानिष्ठ राज्यपाल हमारे बीच हैं, हम बड़े ही आज प्रसन्न हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भ्राता कविंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, जो कि स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर हैं, हमारे बीच पधारें इस पावन अवसर पर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के इस पावन मंच पर अपने विचार, अपने शुभ भाव व्यक्त करें। स्वागत है आपका, हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ओम शांति। आज के 80 साल बीत जाने के बाद प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी, मंच पर बैठी हुई हमारी दादी जी, अन्य ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ अतिथिगण, इस मंडप में उपस्थित देश भर से आए हुए भक्तजन, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का, जिन्होंने इस बहुत विशाल कार्यक्रम में बुला करके मुझे सम्मान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 80 वर्ष पहले जो एक पौधा लगाया गया था, आज वो बट वृक्ष बनकर हमारे सामने है, और इसके लिए जो श्रद्धा, लगन और मेहनत की गई, जिन हमारी दादियों ने यहाँ पर मेहनत की, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। हमारी ये संस्था समाज को एक नया जीवन दे रही है, एक नया दर्शन दे रही है, एक अच्छी सोच दे रही है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। हमें अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए जिसको भारतवर्ष, भारत माता कहा जाता है। यहाँ पर जो समूह दिखाई दे रहा है, हमारे देश की एक विशालता है। यहाँ पर सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की ऋतुएं हैं, अलग अलग तरह का पहरावा है। यहाँ पर मरुस्थल भी हैं, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, यहाँ पर बर्फ भी है, सूखा भी है। इस देश की यही पहचान है, और उस पहचान के बीच में अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश, ये हमारे देश की महानता है। मैं कश्मीर से आया हूँ। हम सब ये मानते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो कार्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, वो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। समाज के बदलते हुए मूल्यों को, समाज के बदलते हुए सिद्धांतों को
सिद्धांत समाज के बदलते हुए जो हमारे संस्कार हैं उसमें एक बहुत बड़ी दिशा राजयोग द्वारा दी जा सकती है। सुबह मुझे यहाँ के एक सेशन में बैठने का मौका मिला और निश्चय ही मन को ऐसी अनुभूति होती है, हमारा आधार शांति है, ओम है, उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। हमारे बीच में शक्ति भी होनी चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए, हमारा मन शरीर आत्मा बुद्धि सभी तरह का विकास होना चाहिए। अगर हम अपने आप में परिपूर्ण हैं तो दूसरा कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं। मुझे गांधी जी के लिए मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन इस देश ने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को भूला, अपने संस्कारों को भूला, अपनी सभ्यता को भूला, अपनी संस्कृति को भूला। उसी का परिणाम है कि आम बार बार ये कहते हैं कि हम हजार साल गुलाम रहे। कहीं ना कहीं हम में कमियां रही होंगी, हमारा देश वहाँ के राजे गुलाम रहे होंगे, लेकिन हमारा यहाँ की जनता कभी गुलाम नहीं हुई, यही हमारी श्रेष्ठता है। शंकराचार्य ने जो मठ बनाए थे चार दिशाओं में बनाए, ये जानते हुए कि भारत एक रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा का सृजन किया तो हर हिंदुस्तान के इलाके से अलग अलग जो पांच प्यारे बनाए थे उनको लिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी कि राष्ट्र ये इकट्ठा रहे, और इसी सभी को देखते हुए आज इस प्रकार की सोच बनाने की जरूरत है। हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, हम में कुछ जरूर कमियां रही होंगी जिसके कारण से, लेकिन उन कमियों को कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। अध्यात्म हमारा जो बेस है, साधना जो हमारा बेस है, उस बेस को हम भूल ना जाएं, इस बात के लिए हमें सोचना होगा। आज इस देश में सिकंदर महान कहा जाता है, आज इस देश में अकबर महान कहा जाता है, लेकिन पोरस और जो अकबर के खिलाफ लड़ते रहे हमारे राजस्थान के योद्धा, उनका कहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारी किताबों को भी कहीं बदलने की जरूरत है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा, महाराणा प्रताप को डाकू, और गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने पिता को और पुत्रों को वारा, उनको कहीं लुटेरा नाम दिया गया। इस प्रकार की जो शक्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। आज युवा हमारे देश की 65% संख्या है, युवाओं को एक नया आदेश मिले, निर्देश मिले, उसके लिए जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा थी, हमारी जो संस्कार थे, उस संस्कारों को फिर घर घर में लाने की जरूरत है। आदरणीय दादा लेखराज जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, आज जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये उनकी सोच उस वक्त की थी कि हमारी बहनों को, हमारी जो महिलाओं को आगे लेकर के जाना। आज पूरे दुनिया में एक सोच बदली है, भारत के प्रति एक सम्मान बढ़ा है, भारत फिर से विश्वगुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, उसके लिए अपने संस्कारों की जरूरत है, संस्कारों को जगाने की जरूरत है। इसलिए हमारी माताओं का, हमारे जो टीचर्स हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनको एक बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हुआ, आओ इस समाज को आगे बढ़ाने में जो ब्रह्म कुमारी द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और आज से ही ये सोच करके, ये जो 80 वर्ष के बाद हमने यहाँ पर सम्मेलन किया है, इसमें एक सोच बना करके लेके जाएं इस देश को, एक राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अपने से जो भी हो पाएगा उसको करने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद भ्राता कविंदर गुप्ता जी, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही सुंदर विचार, भारत के ऊंचे ओहदों पर विराजमान इन महान विभूतियों के जब ऐसे विचार सुनते हैं तो मन बड़ा ही प्रसन्न होता है कि भारत का सचमुच जो भविष्य है वो बहुत श्रेष्ठ है, वो इतने ज्ञानवान है। भाई बहनों, ज्ञान और मेहंदी की फितरत एक जैसी होती है, जब तक
हाथ पे ना लगे तो रंग नहीं चढ़ता है। ज्ञान कर्म में उतरे तो नूर है, वरना तो मंजिल कोसों दूर है। और आज हमें इस सारे ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, जो भारत में सदा मशाल जलती रही है, उसे अपने कर्मों में लाने की ज़रूरत है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने माननीय मेहमान डॉक्टर वी के सारस्वत जी को, फाउंडर डायरेक्टर जनरल DRDO एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र टू द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। आप पधारें, आपका हृदय से स्वागत करते हैं हम, आपके विचार सुनने के अभिलाषी हैं, स्वागत है। नमस्कार। हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश श्री कोहली जी, मोस्ट रेस्पेक्टेड दादी जानकी जी, एस्टीम गेस्ट ऑन द डायस ऑफ द डायस, ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री हु हैव गैदर्ड हियर to celebrate the 80th anniversary of this great institution, Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya. I have been in touch, rather involved, with this institution for almost now 7 to 8 years. I was introduced to this institution by none other than our great scientist, philosopher and former president Dr. Abdul Kalam, who visited this institution and started the ball rolling for linking science, spirituality. And we had some very good projects carried out here to understand the impact of spirituality on the human behavior, even the physiological changes like cardiovascular diseases and so on. This tradition continued when I took over as Director General of DRDO, and it continues even today, all because of the blessings of most respected Dadiji. When I came here, I thought I would be talking and giving you a long talk, because as a scientist I have habits of analyzing things to minor and minute details. But then, knowing that the time is less, I'm going to reduce it to only one part of my talk. I wanted to talk to you about spirituality, its influence on decision making, and spirituality, how it helps to maintain sustainability, which is the need of the hour today. Taking clue from the story which was given by His Highness Shri Bhikkhu Sangh Senaji, and later on the thoughts which were given by Shri Shailesh Kumar, the group editor of PTC News, combining that, so I thought I'll talk to you about sustainability and spirituality as how it can be done. Most of you know what is spirituality and what is sustainability. I will not go into those details today. But sustainability, as you know, is the process of meeting the needs of the present generation without affecting the living requirements of the future generations. It also embodies what we call as economic development. It includes social equity. It includes environmental protection. Economic, social, and environmental concerns are all embodied together. For centuries, these three things have remained in an isolated mode, and that's why there has been a major issue. And the story which His Highness mentioned about the God coming and living inside, and we are trying to search for it, it certainly is replicated by the fact that God created only the biological or the natural world, whereas man has created an artificial world by misusing the technologies and the technological advances. The rate at which the biological or the natural world evolves or moves into its new configuration is much slower as compared to the growth of the artificial world. Evidently, the differential rate of growth, matlab un dono ki jo आगे बढ़ने की रेट है, क्षमताएं हैं, वो अलग अलग हैं, पर एक
दूसरे के अंदर है. एज वी से दैट द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड आर्टिफिशियल वर्ल्ड दे आर एम्बेडेड वन इनसाइड द अदर एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड द आर्टिफिशियल वर्ल्ड एंड दिस इज कॉल्ड टुडेज नॉलेज एज इकोलॉजिकल डायलेमा ऑफ द प्रेजेंट एज. Natural world, by the God's grace, has the capability to organize itself through its ecological and other kinds of micro and macro relationships. Because we have ocean, we have earth, we have space, we have, and also the human beings which God has created. Whereas the artificial world has its own in hyperspace, what we call today as society, science, technology, and economy as dimensions. We do not know how these worlds communicate to each other, and that's why artificial world has problems. And those problems, what everybody has been talking since morning today, what Mr. Shailesh also mentioned, and I think just a few minutes ago, people talked of the discontent. Human environments are becoming more and more turbulent. Societies are becoming fragile and fractured, leading to ever-increasing conflicts. Smaller perturbations at any point in the globe are causing great global problems. Society has become generally consumerist and causing tremendous pressure on natural resources. I think Shailendraji talked about oil vanishing, coal vanishing, and all that, and its impact on what is going to happen in terms of future wars. Because of this, we have landed ourselves in a very scary situation in our quest and relentless pursuit of happiness. And that happiness is not what this group is talking about. That happiness, as everybody is talking about, is materialistic. So how to establish this communication between the biological world and the artificial world? The only common factor there is the man. And if the man uses the language, what language it should use to establish that communication? Here comes the role of consciousness and the level of consciousness in himself and the rest of the nature. And that's why the idea of the world spirit may have a consequence here. And that is what Parampita Brahmadada has said. And that spirit of world is creativity and harmonious unity. And that is what we are doing as part of this mission, what we are doing here today. In that respect, a spiritual person can play an important role in establishing this communication between these two worlds. And how he can do it? By doing it, what we call as for sustainable growth, following what is the dharmic behavior. What in the Indian philosophical domain we call it approach of action to life. Dharma is law, duty, and that keeps the system together always. Since we have to follow this, then all of us who are engineers, scientists, builders, they have to follow what is called the Shastra method, the dharmic method or the Shastra method, which was the old Indian concept, in which there are three perspectives, the spiritual perspective, the ethical or the dharmic perspective, and your own professional perspective. And this means your love for beauty of the nature that has to be embodied in all your actions. And that's why our old saying is there, that if you follow Shanti, Satyam, Dharma, Ahimsa and Prema, these are the five tattvas which are responsible to achieve peace and preserve the coupling, recognizing the existence of the coupling, the ethical and moral activity without hurting neither living or non-living nature, and with love towards both, and cooperate in the natural evolution of the biosphere. This is what is needed today, and through the thoughts of spirituality, one can follow this. And that's where what I see in our Brahma Kumars and Kumaris, Mansa Vacha Karma, which is what is important part, which will bring through your thoughts, action, and the execution, a total harmony. If that happens, sustainability will preserve. I will end this my talk, because of paucity of time, only on one note, which is what Swami Vivekananda said. And all of you are looking at it today, and everybody has been talking about it. He said,
He was trying to enthuse the youth of this nation, and he said, all divinities within you, try to get your divinity to work for the benefit of others. He said, all who live for themselves are more dead than alive. Live for others. So friends, let's all live for the welfare of this great nation. Let us all live for the welfare of the human beings on this earth and make this globe happy, peaceful and prosperous. Thank you. Namaskar. बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया डॉक्टर वी के सारस्वत जी, आपके इतने सुंदर और गहरे विचारों के लिए, और लास्ट में तो इतना प्यारा संदेश दिया कि हम कार्य करें सबके लिए और भारत के एक बड़े महान अद्भुत व्यक्तित्व को याद किया कलाम जी। भाई बहनों, मानव जीवन बड़ा अद्भुत होता है, लेकिन इसमें यदि एक अद्भुत लक्ष्य को जोड़ दिया जाए तो ये जीवन कितने कमाल का हो सकता है वो आप और हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और गहरे विचारों के लिए। हम बहुत ही प्रसन्न हुए, कृतज्ञ हुए।